हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी जोन। क्लास नाइन्थ आज से शुरू कर रहे हैं। क्लास नाइन्थ का साइंस सब्जेक्ट आज पढ़ेंगे। हमारा पहला चैप्टर है मैटर इन आर सराउंडिंग्स। चलिए शुरू करते हैं। एज वी लुक एट आर सराउंडिंग्स वी सी अ लार्ज वैरायटी ऑफ थिंग्स विथ डिफरेंट शेप्स साइजेस एंड टेक्सचर्स। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटीरियल विच साइंटिस्ट्स हैव नेम्ड मैटर। हम सभी अपने चारों तरफ जब देखते हैं तो क्या पाते हैं कि बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं। चेयर देखते हैं, टेबल्स देखते हैं, ट्रीज़ देखते हैं, एनिमल्स देखते हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। तो आसपास हम जितनी भी चीज़ें देखते हैं ये सारी की सारी चीज़ें क्या कहलाती है, ये सारी की सारी चीज़ें कहलाती है मैटर्स। क्या कहलाती है? मैटर। और ये मैटर जिस चीज़ से मिल के बना होता है ना, इसे हम कहते हैं पार्टिकल्स। ही हम आगे पढ़ेंगे। तो जितनी भी चीज़ें हम अपने आसपास देखते हैं, साइंटिस्ट इन्हें क्या कहते हैं? साइंटिस्ट इन्हें मैटर कहते हैं। ओके, द एयर वी ब्रीथ, जो हवा हम सांस लेते हैं, द फूड वी ईट, जो भोजन हम करते हैं, स्टोन्स पत्थर, क्लाउड्स स्टार्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, इवन अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर आर अ पार्टिकल ऑफ सैंड। ठीक है, इवन अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर और अ पार्टिकल ऑफ सैंड, एवरीथिंग इज मैटर। जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं? ये सब कुछ मैटर कहलाती हैं। वी कैन ऑल्सो सी एज वी लुक अराउंड दैट ऑल द थिंग्स मैंशनड अबव ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। इन अदर वर्ड्स दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम। तो एक बात जो हमें समझ में आती है इससे, ये कि जितने भी मैटर्स हैं, जितने भी मैटर हैं उसमें क्या होगा, दो चीज़ें होंगे ही होंगी। एक तो वॉल्यूम होगा कुछ ना कुछ, और दूसरा मास होगा। ठीक है, मैटर में क्या चीज़ें होंगी? वॉल्यूम भी होगा और मास भी होगा। सिंस अर्ली टाइम्स ह्यूमन बींग्स हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दियर सराउंडिंग्स। अर्ली इंडियन फिलोसोफर्स क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ फाइव बेसिक एलिमेंट्स। पुराने ज़माने से ही जो हमारे फिलोसोफर्स थे, जो हमारे विद्वान लोग हुआ करते थे, वो हमारे सराउंडिंग्स को जानने की कोशिश करते थे। और इन्होंने जो सराउंडिंग के मैटर हैं इनको फाइव एलिमेंट्स में, बेसिक एलिमेंट्स में डिवाइड किया। और उन्होंने कहा कि जितनी भी चीज़ें बनी है ना, जो धरती पर दिखाई देती है हमें, हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, वो सब कुछ फाइव एलिमेंट्स से मिलके बनी है। और उन्होंने उस फाइव एलिमेंट्स को पंच तत्व कहा। और वो पंच तत्व क्या क्या थे? वो है एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। ठीक है, हिंदी में इसको कहते हैं क्षितिज, जल, पावक, गगन, समीर। तो ये पांच तत्वों से मिलकर के सारे मैटर्स बने हुए हैं एज पर आर एंशिएंट फिलोसोफर्स। ओके, मॉडर्न डे साइंटिस्ट्स हैव इवॉल्व्ड टू टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन दियर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल नेचर। तो लेकिन जो मॉडर्न साइंटिस्ट है, अभी के साइंटिस्ट है, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने मैटर्स को दो तरीके से क्लासिफाई किया है। एक तो उनके फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे, फिजिकल फीचर्स के बेसिस पे, और दूसरा उनके केमिकल नेचर पे, कि उस किस तरीके का केमिकल रिएक्शन वो करते हैं। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में चलिए आगे पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे मैटर कितने क्या क्या हैं और क्या क्या उनके क्वालिटीज़ हैं। ठीक है, चलिए, पहला है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, क्या क्या फिजिकल नेचर हो सकता है मैटर में। ठीक है, फॉर अ लॉन्ग टाइम टू स्कूल्स ऑफ थॉट प्रिवेल्ड। बहुत ही लंबे समय तक दो तरीके के लोग हुआ करते थे, मतलब लोगों के सोचने का जो नज़रिया था वो दो तरीके से था। एक पक्ष सोचता था, एक तरीके के लोग सोचते थे कि मैटर जो होता है वो कॉन्टिन्यूस होता है, ब्लॉक ऑफ वुड की तरह। और दूसरे लोग सोचते थे कि ये ना बहुत छोटा छोटा होता है, ये पार्टिकल्स से बना होता है, ठीक है, जो कि हम इसको आसानी से ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, तो दो तरीके के लोग होते थे। एक सोचते थे कि जो फिजिकल नेचर होता है मैटर का, किसी भी चीज़ का, वो कॉन्टिन्यूस होता है। और दूसरे सोचते थे कि नहीं, हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, ये पार्टिकल का बना हुआ होता है। ठीक है, कुछ एक्टिविटीज़ गिवन है जिसको हम करके और पढ़ करके हम जानेंगे कि एक्चुअली क्या है, क्या मैटर कॉन्टिन्यूस है या ये पार्टिकल से मिल करके बना हुआ है। ठीक है,
एक्टिविटी वन में कह रहा है, सबसे पहला हमारा जो एक्टिविटी है एक्टिविटी 1.1, हाँ इसमें कह रहा है कि आपको क्या लेना है, एक 100 ml का बीकर लेना है. टेक अ 100 ml ऑफ बीकर, फिल हाफ ऑफ द बीकर विथ वाटर एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर. आपको क्या करना है, बीकर में आधा पानी भर देना है, बीकर को आधा पानी से भर देना है और उसको मार्क कर देना है कि वाटर का लेवल कहाँ तक है बीकर में. ठीक है, उसमें कुछ सॉल्ट डिसॉल्व करना है या शुगर डिसॉल्व कर सकते हो. ठीक है, और उसको आप स्टीयर कर सकते हो किससे, हेल्प ऑफ ग्लास रॉड से. ओके, उसके बाद आपको ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्व एनी चेंज इन वाटर लेवल. आप ऑब्जर्व करो कि क्या वाटर लेवल में कोई चेंज आया है, क्या लेवल से थोड़ा सा पानी ऊपर चला गया है. हाँ जी चला जाएगा, क्योंकि जो चीज़ आपने मिलाया है ना, आपने सॉल्ट मिलाया है, आपने शुगर मिलाया है, उसमें मास भी है, उसमें वॉल्यूम भी है. ठीक है, तो वो क्या करेगा, वाटर के लेवल को इंक्रीज तो कर ही देगा. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. इन ऑर्डर टू आंसर दिस क्वेश्चन, आंसर्स आपको क्या क्या देने हैं इस एक्टिविटी के बाद. आपको पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट डू यू थिंक हैज़ हैपेंड टू द सॉल्ट, आपको क्या लगता है सॉल्ट के साथ क्या हुआ. दूसरा क्वेश्चन, वेयर डज इट डिसअपीयर, ये कहाँ पे गुम हो गया. डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज, क्या वाटर का लेवल चेंज हुआ. अब चलिए देखते हैं. When we dissolve salt in water, the particles of salt get into the spaces between particles of water. जब हम salt को पानी में dissolve करते हैं तो क्या होता है, जो salt का particle होता है ना, वो water के particle के space में, एक दूसरे के space में गुम हो जाते हैं. ठीक है, तो तीनों questions के answer हमारे हैं कि एक फिगर में देखिए, पहला फिगर में है वाटर है. ठीक है, आपने ऐड किया सॉल्ट, तो सॉल्ट बिल्कुल नीचे दिखाई दे रहा है. ठीक है, दूसरे वाले पिक्चर में देखिए, सॉल्ट बिल्कुल ही नीचे सरफेस पे दिखाई दे रहा है, लेकिन जब आप इसको ग्लास रॉड की मदद से स्टीयर करोगे ना, तो ये पानी और नमक एक दूसरे के बीच में घुलने लगते हैं, एक दूसरे के पार्टिकल्स के साथ मिलने लगते हैं. ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन, नेक्स्ट टॉपिक है हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल्स ऑफ मैटर. ये जो हमारा मैटर का पार्टिकल होता है ये कितना छोटा होता है. ठीक है, तो इसके लिए एक और एक्टिविटी है 1.2 हमें करना है. टेक 2 to 3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट एंड डिजॉल्व देम इन 100 ml ऑफ वाटर. पोटेशियम पर मैग्नेट का कलर करने के लिए हम यूज़ करते हैं, तो आपको 1 या 2 क्रिस्टल लेना है पोटेशियम पर मैग्नेट का और इसको डिजॉल्व करना है 100 ml ऑफ वाटर में. ठीक है, टेक आउट अप्रोक्सीमेटली 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड पुट इट इनटू 90 ml ऑफ क्लियर वाटर. आपको क्या करना है, पहले 100 ml ऑफ वाटर में 1 या 2 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैग्नेट मिलाना है, फिर उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद क्या करना है, उस सॉल्यूशन का 10 ml आपको निकाल लेना है और दूसरे 90 ml फ्रेश वाटर में मिलाना है. ठीक है, फिर से उस सॉल्यूशन का 10 ml निकाल लेना है और अनदर 90 ml ऑफ फ्रेश वाटर में मिलाना है. ऐसा ही आपको कितनी बार करना है, 5 से 8 बार करना है. ठीक है, अब देखिए कि क्या कुछ चेंजेस नज़र आ रहा है. ये देखिए, पहले पिक्चर में 100 ml ऑफ वाटर है, फिर आपने पोटेशियम परमैग्नेट मिलाया 100 ml वाटर में, फिर आपने 10 ml निकाला, फिर से 100 ml का सॉल्यूशन बनाया, फिर 10 ml निकाला, फिर से 100 ml का सॉल्यूशन बनाया, फिर 10 ml निकाला और 100 ml का सॉल्यूशन बनाया. इस तरीके से आप कितनी बार भी कर सकते हो, लेकिन धीरे धीरे आप क्या देखोगे कि जो कलर है ना, वो डार्क से लाइट होने लग जा रहा है. ठीक है ना, डार्क से लाइट होने जा रहा है, लगने जा रहा है. एस्टिमेटिंग हाउ स्मॉल आर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर विथ एवरी डिल्यूशन दो द कलर बिकम्स लाइट इज इट स्टिल विजिबल. तो भले ही कलर जो है वो लाइट होता जा रहा है, लेकिन इसका मतलब ये है कि जितनी बार भी आप 10 ml निकाल रहे हो ना सॉल्यूशन का, उसमें कुछ ना कुछ मैटर के पार्टिकल्स आ ही जा रहे हैं. तो आप समझ सकते हो कि जो हमारा मैटर का पार्टिकल होता है वो कितना छोटा होता है, राइट. बहुत ज़्यादा छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि हम इमेजिन नहीं कर सकते. ठीक है, दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट जस्ट अ फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट कैन कलर अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर. इस एक्सपेरिमेंट से हमने क्या देखा कि एक कुछ ही क्रिस्टल पोटेशियम पर मैग्नेट के बहुत सारे वाटर को कलर कर सकते हैं. सो वी कंक्लूड दैट देयर मस्ट बी मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स इन जस्ट वन क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट विच
keep on dividing themselves into smaller and smaller particles. तो हम इससे क्या conclude करते हैं कि एक matter में बहुत सारे particles होते हैं जो क्या होता है एक मतलब खुद से ही अपने आप को divide करते रहते हैं, divide करते रहते हैं, छोटे 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 टुकड़ों में divide करते रहते हैं, ठीक है? The same activity can be done using 2 ml of Dettol instead of potassium permanganate. जो हमने activity करी ना potassium permanganate के साथ, तो potassium permanganate के जगह पे आप Dettol को भी use कर सकते हो. और आप जैसे हमने इसमें देखा कि color light होता जा रहा था, तो हम उसमें देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम जितना ज़्यादा solution बनाते जाएंगे 10 ml निकाल निकाल के, लेकिन फिर भी smell जो होगा Dettol का वो आता ही रहेगा, ठीक है? यानी कि इस डेटॉल भी जिस पार्टिकल से बनाया ना वो भी अपने आप को डिवाइड करते रहते धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में, ठीक है? देखिए कंक्लूजन क्या है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आर इमेजिनेशन. जो मैटर बने होते हैं पार्टिकल से वो इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि वो हमारे इमेजिनेशन से बाहर होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर. अब हम पढ़ेंगे कुछ फीचर्स के बारे में, जो मैटर जिन पार्टिकल्स से मिलकर के बना हुआ है उनके फीचर्स क्या क्या होते हैं, उनकी विशेषताएं क्या क्या है, ठीक है? चलिए पहला जो फीचर है पार्टिकल का वो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम. जो पार्टिकल्स होते हैं ना उनके बीच में क्या होता है, स्पेसेस होते हैं, ठीक है? एक्टिविटी से हमें पता चलेगा, ठीक है? अच्छा, एक्टिविटी तो हमें करने की ज़रूरत नहीं है, हमने एक्टिविटी करी थी वो पोटेशियम पर मैग्नेट वाली और या डेटॉल वाली, तो उससे हमें पता चल गया कि जितना ज़्यादा हम सॉल्यूशन निकाल रहे हैं ना, यानी कि पोटेशियम पर मैग्नेट के जिस पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है वो पार्टिकल वाटर के पार्टिकल्स के साथ एक रिलेशनशिप बनाता है जिसकी वजह से वो पानी में कलर आता है या पानी में स्मेल आता है, ठीक है? समझ में आया? ओके, तो हमें इस बात से क्या पता चला कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, ठीक है? सेकेंड फीचर है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग. जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो मूव करते रहते हैं हमेशा. इसके लिए हमारे पास तीन एक्टिविटी दी गई है, हम एक या दो एक्टिविटी पढ़ लेते हैं. पहला एक्टिविटी है कि एक्टिविटी 1.3, इसमें कह रहा है कि आप अपने स्कूल के या अपने कमरे के किसी एक कॉर्नर में एक इंसेंस स्टिक रखो, अगरबत्ती रख दो बिना जलाए हुए, ठीक है? बिना जली हुई अगरबत्ती रख दो किसी कोने में और आप कोशिश करो कि आपको कितना नज़दीक जाना पड़ता है अगरबत्ती के ताकि उसका स्मेल आप तक पहुंच सके, ठीक है? उसका जो सेंट है वो आप तक पहुंच सके. तो भाई बिना जलाए हुए अगरबत्ती ज़्यादा दूर से तो नहीं महकेगी, लेकिन फिर भी आपको कुछ नज़दीक जाने पे वो अगरबत्ती की खुशबू आने लग जाएगी. या इसका एक एग्जांपल आप ले सकते हो, जब कभी भी आप अगरबत्ती की दुकान से होकर के गुजरते हो, ठीक है, तो आपको अगरबत्ती की खुशबू आने लगती है, राइट? तो इससे क्या पता चलता है कि पार्टिकल्स ना मूव होते रहते हैं एयर में, है ना? तभी तो अगरबत्ती की खुशबू आपके नाक तक पहुंचती है. वो अगर वो मूव नहीं होते तो वो खुशबू तो पहुंचती नहीं आपके पास तक, ठीक है? अब हम क्या करेंगे कि अगरबत्ती को जला देंगे, और अगरबत्ती को अगर हम जला देते हैं तो क्या देखेंगे कि हम भले ही अगरबत्ती के पास नहीं जा रहे हैं, इंसेंस स्टिक के पास नहीं जा रहे, लेकिन फिर भी उसकी स्मेल हम तक पहुंच रही है, ठीक है? चलिए, तो इससे क्या पता चला कि पार्टिकल्स होते हैं वो मूविंग होते हैं, मूव करते रहते हैं. एक और एक्टिविटी है, आपको दो ग्लासेस लेना है या दो बीकर्स लेना है. एक बीकर में आराम से एक या दो ड्रॉप आपको किसी भी कलर का इंक डाल देना है और दूसरे बीकर में आपको हनी डाल देना है. आराम से जैसे इंक डाला वैसे ही हनी डालना है, उसको मिलाना नहीं है, आप उसको बस डाल के छोड़ दो. आप क्या देखोगे कि कुछ देर के बाद आपने आपके बिना मिलाए हुए भी इंक पूरे पानी में मिल गया है और वाटर धीरे 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 वाटर के नीचे वो हनी आ गया है. तो इससे क्या पता चलता है कि आपको भले ही इंक जल्दी मिल गया, हनी के मिलने में टाइम लगा, लेकिन इससे पता क्या चलता है, इसे कॉन्क्लूड यही होता है कि पार्टिकल्स मूविंग होते हैं, तभी तो वो खुद ही मिल गए, है ना? ओके, एक्टिविटी 1.3 भी सेम ही है, ठीक है? तो इससे हमें क्या पता चला इन एक्टिविटीज से कि पार्टिकल्स मूविंग होते हैं. पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, दैट इज दे पजेस दैट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी. जो
वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं ना, इस एनर्जी को क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, ठीक है। एज द टेम्परेचर राइजेज पार्टिकल्स मूव फास्टर, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ने लगता है पार्टिकल्स की जो मूवमेंट होती है उसकी गति भी बढ़ने लगती है, ठीक है, मतलब पार्टिकल तेजी से मूव करने लगते हैं। कैसे, जैसे हमने देखा था बिना जलाए हुए अगरबत्ती की खुशबू हमारे तक नहीं पहुंच रही थी, हमें उसके पास जाना पड़ रहा था, ठीक है, लेकिन जब अगरबत्ती जल जाती है तो हम कहीं भी होते हैं तो खुशबू हम तक पहुंच जाती है। इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर के बढ़ने से जो पार्टिकल्स हैं उनकी मूवमेंट तेज़ होती है। सेम एक और एग्जांपल ले सकते हैं, पानी जब ठंडी होती है तो चीनी को उसमें मिलने में टाइम लगता है, लेकिन जब पानी गर्म होती है तो चीनी जल्दी मिल जाती है। तो इससे क्या पता चलता है कि टेम्परेचर जैसे जैसे राइज होगा पार्टिकल्स मूव तेज़ी से करेगा, ठीक है। और पार्टिकल्स की जो कॉन्टीन्यूसली मूविंग की जो ये फीचर होती है इसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अच्छा, एक और हमने देखा था एक्टिविटी जिसमें हमने एक बीकर में सिर्फ इंक रख दिया था और दूसरे बीकर में हनी रख दिया था और बिना मिलाए हुए हमने देखा था कुछ देर बाद कि ये आपस में मिल गए हैं। तो इस प्रक्रिया को, इस प्रोसीजर को हम कहते हैं डिफ्यूज़न। क्या कहते हैं, डिफ्यूज़न। इन द अबव थ्री एक्टिविटीज़ वी ऑब्जर्व दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन दियर ओन विथ ईच अदर, जब दो पार्टिकल्स अपने आप एक दूसरे में मिल जाए, ठीक है, तो इस घटना को हम कहते हैं डिफ्यूज़न। दे डू सो बाय गेटिंग इनटू द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स, दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूज़न, ठीक है। तो जब दो पार्टिकल्स अपने आप एक दूसरे में मिल जाए तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं डिफ्यूज़न, ओके। तो दो हमने फीचर्स देखे, पहला फीचर था कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस होता है और दूसरा पार्टिकल्स कॉन्टीन्यूसली मूविंग होता है। तीसरा हम देखेंगे फीचर, तीसरा फीचर है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, पार्टिकल जो होता है मैटर का वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। एक एक्टिविटी है, आपको एक गेम खेलने को बोला जा रहा है जिसमें तीन या चार ग्रुप्स आपको बनाने हैं। पहले ग्रुप का क्या होगा कि पहले ग्रुप में तीन चार या पाँच जो भी मेम्बर्स होंगे वो एक दूसरे के आर्म को लॉक करके रखेंगे, मतलब आम एक दूसरे के आम से आम कनेक्ट करके रखेंगे, ठीक है, जैसा इस फोटो में आपको दिख रहा है, एक दूसरे के आम से कनेक्टेड है, राइट। अच्छा, सेकंड ग्रुप बोल रहा है कि सेकंड ग्रुप के लोग जो होंगे वो सिर्फ हाथ को होल्ड करके रखेंगे और ह्यूमन चैन बनाएंगे, एक बस एक दूसरे के हाथ को होल्ड करके रखेंगे। थर्ड ग्रुप जो होगा वो क्या करेंगे कि सिर्फ एक दूसरे के फिंगर टिप को छू के रखेंगे, ठीक है। और फोर्थ ग्रुप जो होगा वो क्या होगा, फोर्थ ग्रुप को क्या करना होगा कि उनको दौड़ना होगा और इन तीनों ग्रुप के पर्संस को एक दूसरे से छुड़ाना होगा। तो क्या लगता है सबसे आसानी से कौन पर्सन एक दूसरे से डिवाइड हो जाएंगे, जी हाँ वही हो जाएंगे जिन्होंने सिर्फ फिंगर टिप कनेक्ट करके रखा है। और सबसे मजबूत कौन सी टीम है, जिसने एक दूसरे के आर्म को होल्ड करके रखा है, और हैंड को जिसने होल्ड करके रखा है वो भी फिर भी ठीक है उनके मुकाबले जिन्होंने फिंगर टिप छुआ था। तो इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चलता है कि पार्टिकल्स कितना ज़्यादा अट्रैक्ट करता है एक दूसरे को, ये डिपेंड करता है कि मैटर कैसा है, ठीक है। मैटर कैसा है मतलब, चलिए एक एक्टिविटी आपको मैं फिर से, ये 1.7 एक्टिविटी है, इससे मैं क्लियर करता हूँ। आपको बोल रहे हैं कि एक आयरन नेल लीजिए, एक पीस ऑफ चॉक लीजिए और एक रबर बैंड लीजिए, ठीक है, और इसको आप तोड़ने की कोशिश करिए, या तो हैमरिंग करिए या काट के या स्ट्रेच करके तोड़ने की कोशिश करिए, ठीक है। इन विच ऑफ द अबव थ्री सब्सटेंसेज डू यू थिंक द पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर विथ ग्रेटर फोर्स, तो आपको क्या लगता है कौन से मैटर में जो पार्टिकल था वो ग्रेटर फोर्स के साथ लगा हुआ था। ऑब्वियसली जो आयरन नेल है उसमें जो पार्टिकल्स थे एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखा था, उनके बीच जो फोर्स था वो सबसे ज़्यादा था, है ना। और रबर बैंड में भी स्ट्रेच करिए फिर से वो आपस अपने पोजीशन में आ जाते हैं। इससे क्या पता चलता है कि पार्टिकल्स के बीच में फोर्स लग रहा है जो कि उन्हें टूटने नहीं दे रहा है। और सबसे कम फोर्स किस में था, किसके पार्टिकल्स में, चॉक के पार्टिकल्स में, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चला कि पार्टिकल्स के बीच में क्या होते हैं, फोर्स होते हैं और ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, क्लियर। द अबव थ्री एक्टिविटीज suggest that particles of matter have force acting between them. This force keeps the particles together.
The strength of the force of attraction varies from one kind of matter to another kind of matter. जो force होता है attraction का वो vary करता है एक तरीके के product matter से दूसरे तरीके के matter में. ठीक है, तो ये हमने देखे features of particles. तीन features थे, उनके बीच spaces होता है, particles moving होते हैं और particles एक दूसरे को attract करते हैं. ये जो question है हम दूसरे video में पढ़ेंगे, हम अभी सिर्फ chapter पढ़ेंगे, दूसरे lesson में सारे के सारे हम क्वेश्चन आंसर करेंगे. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है स्टेट्स ऑफ मैटर. कितने मैटर कितने स्टेट्स में पाए जाते हैं. ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर अराउंड यू. अपने चारों तरफ के मैटर्स को देखिए, आप क्या देखते हो, क्या डिफरेंट स्टेट्स आपको दिख रहे हैं. वी कैन सी दैट मैटर साउंड्स मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन थ्री डिफरेंट स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तो स्टेट्स कितने हैं भाई, थ्री है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. दिस स्टेट्स ऑफ मैटर अराइज ड्यू टू द वेरिएशन इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर. और ये स्टेट्स कैसे अलग अलग हो गया, क्योंकि उनके जो पार्टिकल्स थे वो जो मैटर जिन पार्टिकल्स से बने हैं ना, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स में भी कुछ डिफरेंस था, जिसकी वजह से उनके स्टेट्स में भी डिफरेंस आ गया. ठीक है, चलिए पढ़ते हैं आगे. पहला जो स्टेट है द सॉलिड स्टेट, आपको एक एक्टिविटी दे रहा है. कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल्स, अ पेन, अ बुक, अ निडल एंड अ पीस ऑफ वुडन स्टिक. आपको चार चीज़ें कलेक्ट करनी है, एक पेन, एक बुक, एक निडल और एक पीस ऑफ वुडन स्टिक. स्केच द शेप ऑफ द अबव आर्टिकल्स इन योर नोटबुक बाई मूविंग अ पेंसिल अराउंड देम. आपको क्या करना है कि अपने नोटबुक पे इन सारी चीज़ों को रखना है और उनके चारों तरफ वो पेन चलाते हुए इनका स्केच बनाना है. डू ऑल दिस हैव अ डेफिनेट शेप. क्या आप क्या देखते हो, इन सारे के डेफिनेट शेप है क्या, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड अ फिक्स्ड वॉल्यूम. व्हाट हैपेंस इफ दे आर हैमर्ड, पुल्ड और ड्रॉप्ड. क्या होगा अगर हम इसे पुल करें या ड्रॉप कर दें या हैमरिंग कर दें इस पे, तो क्या इनके शेप में चेंजेस आएगा. आर दिस कैपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर. क्या ये कैपेबल है एक दूसरे में डिफ्यूजन के लिए. ठीक है, ट्राई कंप्रेसिंग देम बाई अप्लाइंग फोर्स, आर यू एबल टू कंप्रेस देम. चलिए ये सब चीज़ें करने के बाद अब हम क्या देखते हैं, ऑल द अबव आर एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड. ये जितनी भी चीज़ें थी सारी की सारी सॉलिड्स थी, पेन हो या बुक हो, ठीक है, सारी सॉलिड्स थी. वी कैन ऑब्जर्व दैट ऑल दिस हैव अ डेफिनेट शेप. हाँ, इनके डेफिनेट शेप तो हैं. एक पेन का शेप डेफिनेट है, बुक का शेप डेफिनेट है, स्टिक का शेप डेफिनेट है ना, डेफिनेट शेप है. डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, और वॉल्यूम भी फिक्स्ड है ना. दैट इज हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी. सॉलिड्स हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स. तो सॉलिड में एक फीचर होता है, एक टेंडेंसी होता है, ये अपने शेप को मेंटेन करते हैं भले ही आप उस पर आउटसाइड फोर्स लगा लो. सॉलिड्स में ब्रेक अंडर फोर्स बट इट इज डिफिकल्ट टू चेंज दियर शेप सो दे आर रिजिड. हाँ, आप उसे ब्रेक कर सकते हो फोर्स से, लेकिन आप उसके शेप में चेंज नहीं ला सकते हो, क्योंकि सॉलिड क्या होते हैं, रिजिड होते हैं. क्लियर. कुछ चीज़ों को कंसिडर करने को बोला है. कंसिडर द फॉलोइंग, व्हाट अबाउट अ रबर बैंड, कैन इट चेंज अ शेप ऑन स्ट्रेचिंग, इज इट अ सॉलिड. जी हाँ, सॉलिड है और ये चेंज नहीं करता है. आप स्ट्रेच करोगे तो थोड़ी देर के लिए चेंज हो जाएगा, लेकिन वापस वो अपने पोजीशन में आ जाएगा. व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट, व्हेन केप्ट इन डिफरेंट जार्स दिस टेक द शेप ऑफ द जार, आर दे सॉलिड. व्हाट अबाउट अ स्पंज, इज इट अ सॉलिड, येट वी आर एबल टू कंप्रेस इट, व्हाई. तो कुछ चीज़ें हैं, हमने देखा कि हम कंप्रेस तो नहीं कर सकते सॉलिड को, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है यहाँ पे. ठीक है, स्पंज को हम कंप्रेस कर सकते हैं. अब क्यों कर सकते हैं देखते हैं. ऑल दी अबव आर सॉलिड एज अ रबर बैंड चेंजेस शेप अंडर फोर्स एंड रीगेंस द सेम शेप व्हेन द फोर्स इज रिमूव्ड, इफ एक्सेसिव फोर्स इज अप्लाइड इट ब्रेक्स. ठीक है, जी हाँ, रबर जो था वो हमारा सॉलिड है, भले ही हम फोर्स से इसको स्ट्रेच कर देते हैं, लेकिन जब भी वो फोर्स हटता है तो वापस अपने ओरिजिनल शेप में ये आ जाता है, और एक्सेसिव फोर्स लगाने से ये टूट जाता है. ठीक है, द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर एंड सॉल्ट क्रिस्टल रिमेन्स फिक्स्ड वेदर वी टेक इट इन अ हैंड आर हैंड पुट इट इन अ प्लेट और इन जार. जो शुगर है ना वो सॉलिड है, क्योंकि अगर इंडिविजुअली आप देखो ना शुगर को, तो उनका शेप वही होता है,
स्क्वायर होता है, ठीक है, लेकिन जब आप जारवार में रखते हो तो वो अपना वो कलेक्टिवली अपना शेप चेंज करता है अकॉर्डिंग टू दैट आर्टिकल, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो उसके शेप में भी चेंज आ जाए, इंडिविजुअली उनका शेप हमेशा बराबर ही होता है, सेम ही होता है, तो ये भी क्या है, सॉलिड है। अ स्पंज हैज़ मिनट होल्स, स्पंज में छोटे 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 होल्स होते हैं अगर आपने देखा होगा तो, इन विच एयर इज ट्रैप्ड, जिसमें हवा ट्रैप्ड होता है, भरा हुआ होता है, व्हेन वी प्रेस इट द एयर इज एक्सपेल्ड आउट एंड वी आर एबल टू कंप्रेस इट, क्योंकि हवा अंदर होता है इसी वजह से ये कंप्रेस हो जाता है, अगर हवा नहीं भरा होता तो ये हम इसको कंप्रेस नहीं कर पाते, जैसे एक वुड होता है लकड़ी जिसको आप कंप्रेस नहीं कर पाते हो क्योंकि अंदर हवा जाने का कोई साधन ही नहीं होता उसमें, ठीक है ना, तो ये चीज़ें भी क्या है, सॉलिड है। तो सॉलिड में हमने क्या देखा कि इनका एक डेफिनेट शेप होता है, एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, इसको कंप्रेस हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है, और क्या देखा हमने कि ये अपना शेप चेंज नहीं करते हैं, ठीक है, ओके। दूसरा स्टेट जो है मैटर का वो है द लिक्विड स्टेट, हमने सॉलिड पढ़ लिया, अब क्या है लिक्विड स्टेट। आपको एक एक्टिविटी दी गई है 1.10, कलेक्ट दी फॉलोइंग, वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस, अ कोल्ड ड्रिंक, ये सारे के सारे मैटर्स आपको कलेक्ट करने हैं, कंटेनर्स ऑफ डिफरेंट शेप्स, आपको कंटेनर्स अलग अलग शेप के कंटेनर लेने हैं, पुट अ 50 ml मार्क ऑन दिस कंटेनर्स यूजिंग अ मेजरिंग सिलेंडर फ्रॉम द लेबोरेटरी, आपको क्या करना है हर एक कंटेनर पे 50 ml का मार्क कर देना है, ठीक है, 50 ml तक। What will happen if these liquids are spilled on the floor? अगर हम इन liquids को, चाहे वो दूध हो, चाहे cooking oil हो, चाहे milk हो, चाहे juice हो, अगर हम इन इसको floor पे गिरा दें तो क्या होगा, पहला question। दूसरा, measure 50 ml of any one liquid and transfer it into different containers one by one. Does the volume remains the same? आपको 50 ml लेना है किसी भी लिक्विड का और उसको अलग अलग कंटेनर्स में, अलग अलग शेप के कंटेनर्स में ट्रांसफ़र करना है, क्या वॉल्यूम जो होगा वो सेम रहेगा, डज द शेप ऑफ द लिक्विड रिमेंस द सेम, क्या जो शेप है लिक्विड का वो सेम रहेगा। व्हेन यू पोर द लिक्विड फ्रॉम वन कंटेनर इनटू अनदर, डज इट फ्लो इजीली, क्या आप एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में जब किसी लिक्विड को ट्रांसफ़र करते हो तो क्या ये आसानी से ट्रांसफ़र हो जाता है। चलिए अब इन क्वेश्चंस का जवाब हम ढूंढेंगे। वी ऑब्जर्व दैट लिक्विड्स हैव नो फिक्स्ड शेप, लिक्विड का कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं होता है, लाइक सॉलिड का फिक्स्ड शेप होता है, लेकिन लिक्विड का फिक्स्ड शेप नहीं होता है, ठीक है, बट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम, लेकिन वॉल्यूम जो होता है वो फिक्स्ड होता है, ठीक है। दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट, जिस भी कंटेनर में आप लिक्विड को रखोगे वो उसका शेप ले लेता है, ठीक है। लिक्विड्स फ्लो एंड चेंज शेप, लिक्विड बहता है और शेप जो है उसको चेंज करता है, सो दे आर नॉट रिजिड बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड, वो रिजिड नहीं होते लेकिन हम उसको फ्लूइड कह सकते हैं, ठीक है। एक्टिविटी 1.4 हमने 1.5 देखा था, वेयर द सॉलिड्स एंड लिक्विड्स कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स, हमने देखा था कि सॉलिड और लिक्विड एक दूसरे में डिफ्यूज़ हो रहे थे, है ना, वाटर में सॉल्ट हो रहा था या वाटर में शुगर हो रहा था, द गैसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिफ्यूज एंड डिजॉल्व इन वाटर, ठीक है, जो गैस है एटमॉस्फेयर में वो डिजॉल्व हो सकते हैं वाटर में, ठीक है। दिस गैसेज स्पेशली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स, जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स है जो पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं उनके लिए कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ज़रूरी है। इसका मतलब क्या है कि पानी में भी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन पाया जाता है, यानी कि ये दोनों आसानी से डिफ्यूज़ हो जाते हैं वाटर में। ऑल लिविंग क्रिएचर्स नीड टू ब्रीद फॉर सर्वाइवल, हर एक जंतु को, जितने भी क्रिएचर्स हैं, हर एक प्राणी को जो पृथ्वी पर रहते हैं उनको सर्वाइव करने के लिए सांस लेना ज़रूरी है। द एक्वेटिक एनिमल्स कैन ब्रीद अंडर वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर, तो वाटर में जो रहने वाले जीव जंतु हैं वो कैसे सांस लेते हैं, क्योंकि पानी के अंदर जो ऑक्सीजन डिजॉल्व है ना उसके प्रेजेंस की वजह से वाटर में रहने वाले एनिमल्स या प्लांट्स जिंदा रहते हैं। दस वी मे कंक्लूड दैट सॉलिड्स लिक्विड्स एंड गैसेस कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स,
ठीक है, तो क्या कॉन्क्लूजन निकला, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो सॉलिड्स हो, चाहे वो गैसेस हो, ये सारे के सारे चीज़ें लिक्विड्स में डिफ्यूज हो सकती है. ठीक है, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज हायर देन दी दैट ऑफ सॉलिड्स. तो रेट जो होता है लिक्विड में डिफ्यूज होने का वो सॉलिड से ज़्यादा होता है. ठीक है, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट इन द लिक्विड स्टेट पार्टिकल्स मूव फ्रीली एंड हैव ग्रेटर स्पेस बिटवीन ईच अदर एज कंपेयर टू पार्टिकल्स इन द सॉलिड स्टेट. क्योंकि लिक्विड में पार्टिकल्स आसानी से मूव करते हैं, इसकी वजह से डिफ्यूजन का रेट जो होता है वो ज़्यादा होता है कंपेरिजन टू सॉलिड्स. ठीक है, तीसरा जो स्टेट है वो है हमारा द गैसियस स्टेट, या गैस जिसको बोलते हैं. ठीक है, हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड अ बलून सेलर फिलिंग अ लार्ज नंबर ऑफ बलून्स फ्रॉम अ सिंगल सिलेंडर ऑफ गैस? क्या आपने देखा है कभी जो बलून बेचने वाला होता है वो बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ बलून्स को किससे भरता है? एक सिंगल पीस ऑफ सिलेंडर से भरता है. ठीक है, एक ही सिलेंडर के गैस से सारे बलून्स को भरता है. इंक्वायर फ्रॉम हिम हाउ मेनी बलून्स इज ही एबल टू फिल फ्रॉम वन सिलेंडर. क्या आपने कभी इंक्वायरी किया है? अगर नहीं किया तो करके देखिए, कि उसे पूछिए कि भैया, चाचा, दादा, एक सिलेंडर से आप कितने बलून्स को भर सकते हो. Ask him which gas does he have in the cylinder. उससे पूछो कि कौन सा गैस है उसके सिलेंडर में. ठीक है, चलिए उससे पहले एक एक्टिविटी हम कर लेते हैं. टेक 300 ml सिरिंजेस, एक थ्री सिरिंजेस लेने हैं 100 ml के. ठीक है, क्लोज दियर नोजल्स बाय रबर कॉर्क्स, उनके नोजल्स को आप बंद कर दीजिए रबर कॉर्क की मदद से, एज शोन इन फिगर 1.4. ये देख रहे हैं 1.4 में ये जो है रबर कॉक की मदद से इसके नोजल को बंद कर दिया गया है. ठीक है, ओके, रिमूव द पिस्टन्स फ्रॉम ऑल द सिरिंज. पिस्टन ये जो ऊपर सबसे ऊपरी भाग है ये पिस्टन कहलाता है, इसको आप क्या करो, हटा दो, पिस्टन को हटा दो सिरिंज से, लिविंग द सिरिंजेस अनटच्ड, और सिरिंज को अनटच रहने दो. ठीक है, अनटच रहने दो. फिल वाटर इन द सेकेंड एंड पीस ऑफ चॉक इन द थर्ड. दूसरे में क्या करो, वाटर डाल दो थोड़ा सा, और तीसरे में चॉक डाल दो थोड़ा सा. तीन सिरिंजेज है ना आपके पास, तो एक में कुछ नहीं डालो, एक में वाटर डाल दो, एक में चॉक डाल दो. ठीक है, इंसर्ट द पिस्टन्स बैक इनटू द सिरिंजेज. यू मे अप्लाई सम वैसलीन ऑन द पिस्टन्स बिफोर इंसर्टिंग देम इनटू द सिरिंजेज. और पिस्टन जो आपने निकाला है ना बाहर से, उसको वापस आप लगाओ तीनों सिरिंज में. लेकिन इसके लिए आप क्या करो, पिस्टन पे थोड़ा सा वैसलीन यूज़ कर लो ताकि स्मूथली वो आसानी से लग जाए वापस सिरिंज में. ठीक है, नाउ ट्राई टू कंप्रेस द कंटेंट बाय पुशिंग द पिस्टन इन ईच सिरिंज. अब हर एक पिस्टन को पुश करो और देखो कि कैसे वो मूव करता है, पिस्टन अंदर की तरफ कैसे जाता है. व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व किया आपने. इन विच केस वॉज द पिस्टन ईजिली पुश्ड इन, कौन से सिरिंज में आसानी से पिस्टन चला गया. वट डू यू इन्फर फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन, आपको ऑब्जर्वेशन से क्या पता चला. चलिए पढ़ते हैं. वी हैव ऑब्जर्व्ड दैट गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल एज कंपेयर टू सॉलिड्स. है ना, गैस हाईली कंप्रेसिबल होते हैं, आसानी से कंप्रेस हो जाते हैं सॉलिड के मुकाबले एंड लिक्विड्स के मुकाबले भी. द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG सिलेंडर दैट वी गेट इन आवर होम फॉर कुकिंग और द ऑक्सीजन सप्लाइड टू हॉस्पिटल्स इन सिलेंडर्स इज कंप्रेस्ड गैस. तो जो LPG होते हैं हमारे घर में कुकिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं, या ऑक्सीजन सिलेंडर जो होता है जो हॉस्पिटल में यूज़ किया जाता है, ये कैसे गैस होते हैं, कंप्रेस्ड गैस होते हैं. कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी कि CNG इज यूज एज फ्यूल दिस डेज. CNG आजकल एज अ फ्यूल यूज होता है गाड़ियों में. ड्यू टू इट्स हाई कंप्रेसिबिलिटी लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ गैस कैन बी कंप्रेस्ड इनटू अ स्मॉल सिलेंडर एंड ट्रांसपोर्टेड ईजिली. तो क्योंकि ये हाईली कंप्रेसिबल होते हैं, तो एक छोटे से भी सिलेंडर में बहुत सारा गैस हम इकट्ठा कर सकते हैं और ट्रांसपोर्टेशन जो होगा इसका ईजिली हो जाएगा. ठीक है, वी कम टू नो ऑफ वट इज बींग कुक्ड इन द किचन विदाउट इवन एंटरिंग देयर बाय द स्मेल दैट रीचेज आर नोस्ट्रिल्स. हम बिना किचन में जाए हुए भी कभी कभी पता लगा लेते कि किचन में क्या बन रहा है. ठीक है ना, बस सूंघ के.
How does this smell reach us? ये smell हम तक कैसे पहुंचता है? The particles of the aroma of food mix with particles of air spread with from the kitchen. तो जो particle होता है food के aroma का वो mix होता है हवा के particles के साथ और kitchen से ये निकल के हम तक पहुंचता है, ठीक है? The smell of hot cooked food reaches us in seconds. पके हुए गर्म खाने की खुशबू हम तक सेकेंडों में पहुंच जाती है. Compare this with the rate of diffusion of solids and liquids. Due to high speed of particles and large space between them, gases show the property of diffusing very fast into other gases. क्योंकि ये compressible होते हैं और इनके बीच large space होता है, तो gas क्या होते हैं? Gas में ऐसी property होती है कि ये जल्दी से diffuse हो जाते हैं दूसरे particle में, ठीक है? दूसरे गैसों में. In the gaseous state, the particles move about randomly at high speed. Due to this random movement, the particles heat each other and also the walls of the container. The pressure exerted by the gas is because of this force exerted by gas particles per unit area on the walls of the container. Gaseous state में क्या होता है? जो particles होते हैं, वो बहुत high speed से move करते हैं. Due to this random movement और इस movement के कारण क्या होता है? The particles hit each other and also the wall of the container. एक दूसरे को पार्टिकल हीट करते हैं क्योंकि तेजी से मूव कर रहे होते हैं और साथ ही साथ जिस कंटेनर में वो बंद होते हैं ना उसके वॉल को भी हीट कर रहे होते हैं, ठीक है? मतलब हीट कर रहे होते हैं. The pressure exerted by the gas is because of this force exerted by gas particles per unit area on the walls of container. फिर से कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हम उसी वीडियो में करेंगे जो नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर का, उसमें आगे पढ़ते हैं. Can matter change its state? क्या matter इसका state change कर सकता है? We all know from our observation that water can exist in three state of matter: solid as ice, liquid as familiar water, and gas as water vapor. तो जो liquid होता है वो three state, मतलब जो water होता है वो तीन state में पाया जाता है. जब उसको हम ice बना देते हैं तो solid हो जाता है. जब वो फैमिली हमारा जो वाटर जो हम पीते हैं वो लिक्विड स्टेट में होता है और जो वेपर होता है वाटर से बना हुआ वो गैस होता है, राइट? तो हम क्या इस बात से क्या हमें समझ में आया कि ये अपना स्टेट चेंज करते हैं, जो मैटर होते हैं अपना स्टेट चेंज करते हैं. व्हाट हैपेंस इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग दिस चेंज ऑफ द स्टेट? लेकिन क्या होता है जब ये मैटर अपना स्टेट चेंज कर रहे होते हैं, तो इनके अंदर क्या होता है, कैसे ये स्टेट चेंज हो जाता है? What happens to the particles of matter during the change of state? उनके particles के साथ क्या होता है? How does this change of state take place? ये change होता कैसे है? इनके state में change हो कैसे जाता है? ठीक है? We need answers to these questions, isn't it? है कि नहीं? चलिए पता करते हैं. Activity 1.12 है. Take about 150 gram of ice in a beaker and suspend a laboratory thermometer so that its bulb is in contact with the ice. एक आप 150 ग्राम का आइस ले लो, बीकर ले लो, ठीक है? एक बीकर में आइस ले लो और एक लेबोरेटरी से थर्मामीटर ले आओ ताकि बल्ब जो होता है वो कॉन्टैक्ट में रहे आइस के. और देखिए कुछ इस तरीके से ये जो फिगर है, सबसे नीचे बर्नर है, देन उस पर आपने बीकर डाला हुआ है, बीकर में आइस है और ग्लास को स्टीयर करने के लिए वो रॉड हमने डाला हुआ है, ग्लास स्टीयर. और एक थर्मामीटर किसके कॉन्टैक्ट में है? आइस के कांटेक्ट में, अंदर हमने डाला हुआ है, ठीक है? और ये आयरन स्टैंड है. चलिए दूसरे फिगर में देखिए, आयरन स्टैंड सेम चीज़, थर्मामीटर, ग्लास स्टीयर, बीकर, वाटर, बर्नर, बी. कन्वर्जन ऑफ आइस टू वाटर, कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर. तो सबसे पहला जो एक्टिविटी वन है इस फिगर में, आइस से क्या बन रहा है? आइस पानी में कन्वर्ट हो रहा है, वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन हो रहा है. और यहाँ से लिक्विड से वापस वेपर बन रहा है, यानी कि लिक्विड से गैस में कन्वर्जन हो रहा है. ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं. स्टार्ट हीटिंग द बीकर ऑन अ लो फ्लेम. सबसे पहले लो फ्लेम पे बीकर को गर्म करना शुरू करिए. नोट द टेम्परेचर व्हेन द आइस स्टार्ट्स मेल्टिंग. अब नोट करिए टेम्परेचर, जब आइस मेल्ट होना स्टार्ट हो गया तो टेम्परेचर को नोट करिए कि कितना हुआ. नोट द टेम्परेचर व्हेन ऑल द आइस हैज़ कन्वर्टेड इनटू वाटर. अब पूरा का पूरा कन्वर्ट हो गया वाटर में, उसके बाद टेम्परेचर आप नोट करो कितना है.
रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर दिस कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड स्टेट. और इससे क्या पता चलेगा कि सॉलिड से लिक्विड स्टेट होने में कितना पानी, मतलब कितने टेम्परेचर पे सॉलिड से लिक्विड में वो चीज़ कन्वर्ट हो गई. नाउ पुट अ ग्लास रॉड इन द बीकर एंड हीट वाइल स्टीयरिंग टिल द वाटर स्टार्ट बॉइलिंग. और एक स्टीयर लो और इसके बाद क्या करो, उसको मिलाते हुए पानी को गर्म करो. ठीक है, उसको मिलाते हुए पानी को गर्म करो. ठीक है, तो पानी को मिलाते हुए स्टीरर से आप क्या करो, बॉईल करो. कीप अ केयरफुल आई ऑन द थर्मामीटर रीडिंग टिल मोस्ट ऑफ द वाटर हैज़ वेपराइज्ड. और थर्मामीटर को देखो कि जब वाटर से वेपर में कन्वर्ट होने लगा तो उसका टेम्परेचर क्या हो गया है. रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर द कन्वर्जन ऑफ वाटर इन द लिक्विड स्टेट टू द गैस स्टेट. और सारे के सारे ऑब्जर्वेशन को आप नोट करके रिकॉर्ड करके रखो ताकि आपको आसानी से पता चले कि सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने में क्या क्या चेंजेस आया. ठीक है, On increasing the temperature of solids, the kinetic energy of the particles increases. जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि जैसे जैसे हम हीट को इंक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी, मतलब उनके मूवमेंट की जो क्षमता है वो बढ़ने लगेगी पार्टिकल्स के. ड्यू टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल्स स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग एंड ग्रेटर स्पीड विथ ग्रेटर स्पीड. जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है ना तो पार्टिकल्स वाइब्रेट होना शुरू हो जाते हैं ग्रेटर स्पीड के साथ. द एनर्जी सप्लाइड बाई हीट ओवरकम्स द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स. एनर्जी जो होती है सप्लाई होती है हीट की वजह से, वो क्या होता है कि जो अट्रैक्शन ऑफ फोर्स होता है पार्टिकल्स के बीच में वो टूटने लगता है उसकी वजह से. ठीक है, द पार्टिकल्स लीव दियर फिक्स्ड पोजिशन एंड स्टार्ट मूविंग मोर फ्रीली. और पार्टिकल्स अपना पोजिशन छोड़ करके मूव करने लगते हैं फ्रीली. अ स्टेज इज रीच्ड व्हेन द सॉलिड मेल्ट्स. और एक ऐसा स्टेज आता है जिसमें सॉलिड मेल्ट हो जाता है और कन्वर्ट हो जाता है किसमें, लिक्विड में. द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमोस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट. जिस टेम्परेचर पे एक सॉलिड मेल्ट होकर के लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, जिस एटमोस्फेरिक प्रेशर पे, इस एटमोस्फेरिक प्रेशर को हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट. ठीक है, देखिए नोट कर लीजिए. द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल्स. ठीक है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.16 केल्विन. कितना है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.16 केल्विन. द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, that is change of solid state into liquid state is also known as fusion. ठीक है, क्या होता है जब solid liquid के state में convert हो जाते हैं, इसको हम कहते हैं fusion. ठीक है, when a solid melts its temperature remains the same, so where does the heat energy go? जब solid melt हो जाता है तो उसका temperature जो होता है वो same ही रहता है, तो heat energy का क्या हुआ, कहाँ गया? You must have observed during the experiment of melting that the temperature of the system does not change after the melting point is reached till all the ice melts. This happens even though we continue to heat the beaker, that is we continue to supply heat. This heat gets used up in changing the state by overcoming the forces of attraction between the particles. Thick as this heat energy is absorbed by ice without showing any rise in temperature, it is considered that it gets hidden into the contents of beaker and is known as the latent heat. और मतलब होता क्या है कि जब solid से liquid में कोई चीज़ convert हो जाती है, कोई भी matter convert हो जाता है, तो इसका temperature जो है वो change नहीं होता, क्योंकि हम इसको लगातार heat करते रहते हैं. और जब पूरा का पूरा अट्रैक्शन ऑफ फोर्स ख़त्म हो जाता है पार्टिकल्स के बीच में, तो हीट एनर्जी जो होती है वो ऑब्जर्व्ड हो जाती है आइस के द्वारा. ठीक है, आइस और कोई राइज भी शो नहीं होता है टेम्परेचर में. ठीक है, तो ये हम मान लेते हैं कि जो हमारा एनर्जी था, जो हमारा हीट था, वो कहाँ छुप गया है, कंटेंट ऑफ द बीकर में छुप गया है. ठीक है, तो इस हीट को हम कहते हैं लेटेंट हीट. द वर्ड latent means hidden. Latent का मतलब होता है छुपा हुआ. The amount of heat energy that is required to change a kg of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as the latent heat of fusion. किसी भी
मैटर 1 kg के मैटर सॉलिड मैटर को लिक्विड पे चेंज करने के लिए एटमोस्फेरिक प्रेशर पे यानी कि इसके मेल्टिंग पॉइंट पे जितना हीट चाहिए उस हीट को हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न. सो पार्टिकल्स इन वाटर एट 0 degree Celsius यानी कि 273 Kelvin हैव मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू पार्टिकल्स इन आइस एट द सेम टेम्परेचर. वाटर का जो पार्टिकल है 0 degree Celsius पे उसमें ज़्यादा एनर्जी होता है एज कम्पेयर टू पार्टिकल्स इन द आइस एट द सेम टेम्परेचर. ठीक है. When we supply heat energy to water, particles starts moving even faster at a certain temperature. A point is reached when the particles have enough energy to break free from the forces of attraction of each other. So at this temperature, the liquid starts changing its into gas. The temperature at which a liquid starts boiling at the atmospheric pressure is known as its boiling point. तो जिस टेम्परेचर पे लिक्विड बॉयल होने लग जाता है इसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमेना. पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड गेन इनफ एनर्जी टू चेंज इनटू द वेपर स्टेट. फॉर वाटर दिस टेम्परेचर इज 373 Kelvin. 100 degree Celsius इज इक्वल टू 273 + 100 इज इक्वल टू 373 K. कैन यू डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. क्या आप लेटेंट हीट को डिफाइन कर सकते हो. डू इट इन द सेम वे एज वी हैव डिफाइंड द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. क्या जिस तरीके से फ्यूजन के लिए लेटेंट हीट को हमने डिफाइन किया था क्या ये वैसे ही होता है. पार्टिकल्स इन स्टेम दैट इज वाटर वेपर एट 373 Kelvin यानी कि 100 degree Celsius हैव मोर एनर्जी दैन वाटर एट द सेम टेम्परेचर. दिस इज बिकॉज पार्टिकल्स इन steam have absorbed extra energy in this form of latent heat of vaporization. ठीक है. सॉलिड स्टेट को हीट करो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा. फिर से हीट करो गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा. गैसेस स्टेट को कूल करो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा और लिक्विड स्टेट को कूल करो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है. सो वी इन्फर दैट द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज्ड इनटू अनदर स्टेट ऑफ चेंजिंग द टेम्परेचर. तो टेम्परेचर में हम चेंजेस ला करके उनके स्टेट में भी हम चेंज ला सकते हैं. वी हैव लर्नड द सब्सटेंसेज अराउंड अस चेंज स्टेट फ्रॉम लिक्विड सॉलिड टू लिक्विड एंड फ्रॉम लिक्विड टू गैस ऑन एप्लीकेशन ऑफ हीट. ठीक है. केल्विन क्या होता है पढ़ लेते हैं नोट में. देखिए केल्विन इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर. टेम्परेचर के एसआई यूनिट को केल्विन कहते हैं. 0 degree Celsius जो होता है 273.16 Kelvin के बराबर होता है. कन्वीनियंस के लिए देख लीजिए वी टेक 0 degree Celsius इज इक्वल टू 273 Kelvin हम लेते हैं. ठीक है. 1.16 को हम छोड़ देते हैं आफ्टर राउंडिंग ऑफ द डेसिमल. टू चेंज अ टेम्परेचर ऑन द केल्विन स्केल टू द सेल्सियस स्केल यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 273 फ्रॉम द गिवन टेम्परेचर एंड टू कन्वर्ट अ टेम्परेचर ऑन द सेल्सियस स्केल टू द केल्विन स्केल यू हैव टू ऐड 273 टू द गिवन टेम्परेचर. जब आपको कन्वर्ट करना होता है केल्विन स्केल्स को सेल्सियस स्केल में तो आप 273 को सब्ट्रैक्ट कर देते हो और जब आपको कन्वर्ट करना होता है सेल्सियस स्केल को केल्विन स्केल में तो आप 273 को ऐड कर देते हो. ठीक है. हमने यहाँ पे पढ़ा कि जब हमें सॉलिड जब हमें स्टेट में चेंज लाना होता है तो हम हीट करते हैं. ठीक है. बट देर आर सम दैट देर आर सम वन सेकेंड but there are some change directly from solid state to gaseous state and vice versa without changing into liquid state. ठीक है. लेकिन कुछ change होता है जब देखिए जब हमें solid state से सीधा gaseous state में जाना हो तो हम क्या करेंगे. अगर हम heat करते हैं तो सबसे पहले solid state से हम चले जाएंगे कैसे liquid state में then हमें जाना पड़ेगा gaseous state में. लेकिन जब सिर्फ solid से सीधा direct आपको gaseous state में जाना है तो क्या करना होगा बिना लिक्विड स्टेट में चेंज किए हुए. एक एक्टिविटी है 1.13 टेक सम कैम्फर और अमोनियम क्लोराइड क्रश इट एंड पुट इट एन चाइना डिश. एक चाइना डिश में रख लीजिए. पुट एन इन्वर्टेड फ्यूनल ओवर द चाइना डिश. पुट अ कॉटन प्लग ऑन द स्टेम ऑफ द फनल एज शोन इन फिगर 1.17. देखिए बर्नर ऊपर चाइना डिश है. चाइना डिश के ऊपर हमने बीकर रखा हुआ है. अमोनियम क्लोराइड है
सॉलिडिफाइड है, ये सॉलिड है, इन्वर्टेड फनल है ये, एंड ये कॉटन प्लग सबसे ऊपर आपने बंद कर दिया, अमोनियम क्लोराइड वेपर्स है बीच में, ठीक है. नाउ हीट स्लोली एंड ऑब्जर्व दे डू यू व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द अबव एक्टिविटी. क्या आपको क्या लगता है, अ चेंज ऑफ अ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट और वाइस वर्सा इज कॉल्ड सब्लिमेशन. जब जब सीधा सॉलिड से गैसेस स्टेट में कोई मैटर कन्वर्ट हो जाता है तो इस स्टेट इसे हम कहते हैं सब्लिमेशन. क्या कहते हैं, सब्लिमेशन. चलिए आगे बढ़ते हैं. इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, जब चेंज ऑफ प्रेशर में चेंज ऑफ प्रेशर होता है तो क्या इफेक्ट होता है. वी हैव ऑलरेडी लर्न्ड दैट द डिफरेंस इन वेरियस स्टेट्स ऑफ मैटर इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द डिस्टेंस बिटवीन द कॉन्टिन्यूएंट पार्टिकल्स. हम पढ़ चुके हैं कि अलग अलग स्टेट में क्या डिफरेंस होते हैं, क्योंकि उनके पार्टिकल्स में कुछ कुछ चेंजेस होते हैं, डिफरेंस होते हैं. व्हाट विल हैपन व्हेन वी स्टार्ट पुटिंग प्रेशर एंड कंप्रेस अ गैस इनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर. क्या होगा जब हम गैस को कंप्रेस करना शुरू कर दें सिलेंडर के अंदर. वी विल द पार्टिकल कम क्लोजर, क्या पार्टिकल क्लोज आएंगे. डू यू थिंक दैट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द प्रेशर कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर. क्या आपको लगता है कि जब आप प्रेशर डालते हो किसी भी मैटर पे तो उनके पार्टिकल्स के बीच में भी कुछ चेंजेज आता है, क्या पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज आते हैं. देखते हैं, आपने एक पहला सिलेंडर लिया है, दूसरा सिलेंडर, तीसरा सिलेंडर, ऊपर ये पिस्टन है, ठीक है, और ये ऊपर हम प्रेशर लगा रहे हैं, ठीक है. बाय अप्लाइंग प्रेशर पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैन बी ब्रॉट क्लोजर टुगेदर. अप्लाइंग प्रेशर, देखिए कैसे ये अलग अलग पार्टिकल्स दिख रहे हैं आपको, बहुत दूर दूर पर दिख रहे हैं. जब आप प्रेस करते हो तो ये थोड़े नज़दीक आ गए, जब ज़्यादा प्रेस करते हो तो ये बहुत नज़दीक आ गए. तो इससे क्या पता चलता है कि प्रेशर अप्लाई करने से पार्टिकल्स क्लोजर आते हैं, ठीक है. अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैस. अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेस. हैव यू हर्ड ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, क्या आपने सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में सुना है. इज इट स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर, क्या ये हाई प्रेशर के अंडर स्टोर किया जाता है. सॉलिड CO2 गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैसेस स्टेट. सॉलिड जो CO2 है वो आप डायरेक्टली गैसेस स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हो ऑन डिक्रीज ऑफ प्रेशर टू 1 atmosphere विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट. दिस इज द रीजन दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस. सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को क्या जानते हैं हम, किस नाम से जानते हैं, ड्राई आइस के नाम से जानते हैं, ठीक है. दस वी कैन से दैट प्रेशर एंड टेम्परेचर डिटरमाइन द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस वेदर इट विल बी सॉलिड लिक्विड और गैस. तो क्या डिटरमाइन करता है स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस को, टेम्परेचर और प्रेशर, ठीक है. सॉलिड फ्यूजन होके क्या बनाएगा, लिक्विड, लिक्विड वेपोराइज होके गैस बनाएगा, और गैस सब्लिमेशन होके क्या बनाएगा, सॉलिड बनाएगा, ठीक है. उसी तरीके से लिक्विड सॉलिडिफिकेशन करके सॉलिड बनाएगा, और सॉलिड सब्लिमेशन करके गैस बनाएगा, और गैस कंडेंसेशन करके लिक्विड बनाएगा, ठीक है. तो देखिए इससे क्या पता चला, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन को फ्यूजन कहते हैं, लिक्विड से गैस में कन्वर्जन को हम कहते हैं वेपोराइजेशन, गैस से सॉलिड में कन्वर्जन को हम कहते हैं सब्लिमेशन, ठीक है. सेम उसी तरीके से सॉलिड से गैस में कन्वर्जन को हम कहते हैं सब्लिमेशन, गैस से लिक्विड में कन्वर्जन को हम कहते हैं कंडेंसेशन, और लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्जन को हम कहते हैं सॉलिडिफिकेशन, ठीक है. एक नोट है नीचे, एटमोसफेयर इज अ यूनिट ऑफ मेजरिंग प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस. एटमोसफेयर ATM क्या है, एक यूनिट है जिससे हम मेजर करते हैं प्रेशर, गैस द्वारा एक्सर्ट किया गया प्रेशर को. द यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल, ऐसा यूनिट क्या है प्रेशर का, पास्कल है. 1 atmosphere इज इक्वल टू 1.01 × 10⁵ पास्कल. द प्रेशर ऑफ एयर इज इन एटमोसफेयर इज कॉल्ड एटमोसफेयरिक प्रेशर, ठीक है. हवा का जो दबाव है एटमोसफेयर में इसको हम कहते हैं एटमोसफेयरिक प्रेशर. द एटमोसफेयरिक प्रेशर एट सी लेवल इज 1 atmosphere एंड इज टेकन एट अ नॉर्मल एटमोसफेयरिक प्रेशर, ठीक
कुछ और क्वेश्चंस हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. अभी बात करते हैं इवेपोरेशन की. इवेपोरेशन क्या होता है? डू वी ऑलवेज नीड टू हीट और चेंज प्रेशर फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर? क्या हमें हमेशा ज़रूरत पड़ती है क्या करने के लिए, किसी भी मैटर के स्टेट में चेंज लाने के लिए क्या हमें हमेशा उस पर प्रेशर लगाना पड़ता है या उसे गर्म करना पड़ता है? कैन यू कोट सम एग्जाम्पल्स फ्रॉम एवरी डे लाइफ वेयर चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर टेक्स प्लेस विदाउट द लिक्विड रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट? क्या आप अपने दैनिक जीवन से कुछ एग्जाम्पल्स दे सकते हो जिसे बिना रीचिंग पॉइंट पे पहुँचे हुए ही मैटर्स के स्टेट में चेंज आता है? वाटर व्हेन लेफ्ट अनकवर्ड स्लोली चेंजेज इनटू वेपर. जब पानी को बिना ढके हुए छोड़ दिया जाता है तो वो धीरे धीरे क्या होता है, ये वेपर में कन्वर्ट होने लगता है. वेट क्लोथ्स ड्राई अप, गीले कपड़े सूख जाते हैं. व्हाट हैपेंस टू वाटर इन द अबव टू एग्जांपल्स? ये जो दो एग्जांपल्स हमने देखे, जब पानी को हम बिना ढके हुए छोड़ मतलब ढकते नहीं है तो ये वेपर में कन्वर्ट हो जाता है और कपड़े सूख कैसे जाते हैं, ठीक है. वी नो दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड आर नेवर एट रेस्ट. हमें पता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो हमेशा मूव करते रहते हैं और कभी भी रेस्ट नहीं लेते हैं. एट अ गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस, ठीक है, लिक्विड और सॉलिड, देयर आर पार्टिकल्स विद डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, अलग अलग मैटर्स में अलग अलग काइनेटिक एनर्जी के पार्टिकल्स पाए जाते हैं. In the case of liquids, a small fraction of particle of the at the surface having higher kinetic energy. अगर हम liquids की बात कर लें तो एक हल्का सा भी fraction जो होता है particles का surface पे, उसमें higher kinetic energy होती है, is able to break away from the force of attraction of other particles, जो कि दूसरे particles के force of attraction को आसानी से तोड़ सकते हैं, and gets converted into vapor, और vapor में convert हो जाते हैं. This phenomena of change of liquid into vapors at any temperature below its boiling point is called evaporation. तो without reaching, जब बिना बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचे हुए ही जब वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं, इवेपोरेशन. ठीक है, बढ़िया, आगे बढ़ते हैं. फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि इवेपोरेशन को अफेक्ट कर सकते हैं. एक्टिविटी देखते हैं. टेक 5 ml ऑफ वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब एंड कीप इट नियर अ विंडो और अंडर अ फैन. टेक 5 ml ऑफ वाटर इन ओपन चाइना डिश एंड कीप इट near a window or under a fan. Take 5 ml water in an open china dish and keep it inside a cupboard and on shelf in your class. अब ये तीनों जगह अलग अलग, ये इतना इतना पानी लेकर के आप रख दो, ठीक है. रिकॉर्ड द रूम टेम्परेचर रिकॉर्ड करो. रिकॉर्ड द टाइम और डे टेकन फॉर द इवेपोरेशन प्रोसेस इन द अबव केसेस. टाइम आप नोट करो या कौन से दिन को कर रहे हो, ठीक है, मौसम कैसा है. रिपीट द अबव थ्री स्टेप्स ऑफ एक्टिविटी ऑन अ रेनी डे और एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन. बारिश के दिनों में भी ऐसा करो और ऑब्जर्व करो अपना रिकॉर्ड करो अपना ऑब्जर्वेशन. व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर सरफेस एरिया एंड विंड वेलोसिटी ऑन अ इवेपोरेशन? ठीक है, तो अब देखो कि क्या क्या ये जितने भी फैक्टर्स हैं ना, ये इफेक्ट करते हैं इवेपोरेशन को. यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड that the rate of evaporation increases with the increase of surface area. हमें पता है कि surface area जितना ज़्यादा होगा तो evaporation का जो rate है वो भी बढ़ेगा. We know that evaporation is a surface phenomena. If the surface area is increased, the rate of evaporation increase. For example, while putting clothes for drying up, we spread them out and increase of temperature. ठीक है, हम कपड़े को फैला के रखते हैं, अगर हम एक ही जगह मोड़ करके रख दें तो वो जल्दी नहीं सूखेगा. ठीक है, तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा इवेपोरेशन उतना तेज़ी से होगा. ठीक है, एंड इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा इवेपोरेशन तेज़ी से होगा, तो ये भी एक फैक्टर है. अ डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर. ह्यूमिडिटी क्या होता है, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर. तो ज़्यादा वेपर होगा एयर में तो ये जो इवेपोरेशन है वो तेज़ी से नहीं होगा, तो ह्यूमिडिटी जैसे जैसे डिक्रीज होगी ना, इवेपोरेशन की जो अमाउंट है, रेट है, वो बढ़ता जाएगा. ठीक है, एंड इंक्रीज इन विंड स्पीड, हवा का बहाव कैसा है, हवा तेज़ी से चल रही है तो इवेपोरेशन तेज़ी से होगा, धीरे चल रहा है तो इवेपोरेशन धीरे होगा. ठीक है, हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, इवेपोरेशन कूल कैसे करता है, ठीक है, देखते हैं.
In an open vessel, the liquid keeps on evaporating. The particles of liquid absorb energy from the surroundings to regain the energy lost during evaporation. This absorption of energy from the surroundings makes surrounding cold. In क्या कहते हैं, एक ओपन वेसल में लिक्विड जो हमने रखा हुआ है इवेपोरेटिंग के लिए, इवेपोरेशन के लिए, तो क्या होता है, द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स टू रीगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग इवेपोरेशन. तो इवेपोरेशन के दौरान जो एनर्जी लॉस्ट होती है ना, तो वो जो पार्टिकल्स होते हैं ये लिक्विड ऑब्जॉर्ब करते हैं कहाँ से, सराउंडिंग से, जिसकी वजह से जो हमारा सराउंडिंग होता है ना वो कूल हो जाता है. ठीक है, व्हाट हैपेंस व्हेन योर when you pour some acetone यानी कि nail polish remover on your palm, जब आप अपने हथेली पे nail polish का remover डालते हो तो वो कैसा लगता है, the particles gain energy from your palm or surroundings and evaporate causing the palm of feel cool. तो आपको थोड़ा सा ठंडा ठंडा सा लगता है, वैसा क्यों होता है, क्योंकि आपके palm का जो palm का जो particle है वहाँ से एनर्जी लेती है वो एसीटोन, जिसकी वजह से आपको कूल फील होता है. ठीक है, व्हाट अ हॉट सनी, आफ्टर अ हॉट सनी डे पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड बिकॉज द लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर हेल्प्स टू कूल द हॉट सरफेस. कैन यू साइट सम मोर एग्जांपल्स फ्रॉम डेली लाइफ वेयर वी कैन फील द इफेक्ट ऑफ कूलिंग ड्यू टू एवेपोरेशन. ओके, Why should we wear cotton clothes in summer? हम गर्मियों में कपड़े पहनते हैं, सूती के कपड़े क्यों पहनते हैं, cotton clothes क्यों पहनते हैं? During summer, we perspire more because of the mechanism of our body which keeps us cool. We know that during evaporation, the particles of the surface of the liquid gain energy from surroundings or body surface and change into vapor, right? The heat energy equal to the latent heat of the vaporization is absorbed from the body, leaving the body cool. Cotton being a good absorber of water helps the absorbing the sweat and exposing it to atmosphere for easy evaporation. तो जो cotton होता है वो आसानी से absorb कर लेता है sweat को और evaporate कर देता है. ठीक है, तो हम prefer करते हैं cotton clothes पहनना. Why do we see water droplets on the outer surface of a glass containing ice cold water? जिस ग्लास में हम पानी रखते हैं ठंडा पानी, उसके बाहर हम थोड़ा सा देखते हैं कि कहीं कहीं पे water droplets आ गए हैं, बाहर की तरफ पानी आने लगता है, ऐसा क्यों होता है? Let us take some ice cold water in a tumbler. Soon we will see water droplets on the outer surface of its tumbler. The water vapor present in air. वाटर वेपर क्या होता है, एयर, हवा में मौजूद होता है. ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर लूजेज एनर्जी एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट. तो जो वाटर वेपर होता है ना हवा में, वो ठंडे पानी के संपर्क में आता है और अपना वो गैस से वो लिक्विड स्टेट में चेंज होता है, तभी वो बाहर की तरफ पानी जो होता है वो ड्रॉपलेट्स हमें नज़र आने लगते हैं. ठीक है, विच वी सी एज वाटर ड्रॉपलेट्स. लास्ट टॉपिक है, नाउ साइंटिस्ट आर टेकिंग ऑफ फाइव स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोज़ आइंस्टीन कंडेंसेट. तो प्लाज्मा क्या होता है, तीन तो हम जानते हैं प्लाज्मा क्या होता है, ये हम एक बार देख लेते हैं, और एक बोज़ आइंस्टीन कंडेंसेट क्या है ये भी देख लेते हैं. प्लाज्मा क्या होता है, द स्टेट कंजिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स. ठीक है, दिस पार्टिकल्स आर इन द फॉर्म ऑफ ionized gases. The fluorescent tube and neon sign bulbs consist of plasma. Inside a neon sign bulb there is neon gas, and inside a fluorescent tube there is a helium gas or some other gas. The gas gets ionized, that is gets charged when electrical energy flow through it. This charging up creates a plasma glowing inside the tube or bulb. The plasma glows with a special color depending on the nature of the gas. The sun and the stars glow because of the pressure of plasma in them.
The plasma is created in stars because of very high temperature. तो जो सूरज चमकता है और तारे चमकते हैं ये किसकी वजह से? प्लाज्मा की वजह से. ठीक है. बोस एंस्टीन कंडेंसेट क्या है? In 1920, Indian physicist Satyendranath Bose had done some calculation for a fifth state of matter. कुछ calculation इन्होंने किया पांचवें state of matter के बारे में. Building on his calculations, Albert Einstein predicted a new state of matter, the Bose-Einstein condensate. ठीक है, इन्होंने उनमें कुछ add on किया और एक नाम दिया Bose-Einstein condensate, उस matter का नाम. In 2001, Eric A. Cornell, Wolfgang Kartel and Carl E. Wieman of USA received the Nobel Prize in Physics for achieving Bose-Einstein condensate. The BEC is formed by cooling a gas of extremely low density. जब गैस को extremely low density पे आप cool करते हो about 100,000th the density of normal air to super low temperatures, you can log on to ये कहीं से लिया गया है information, तो गलती से मैंने पढ़ दिया. तो जब आप किसी भी गैस को बहुत ही low temperature पे कूल करते हो तो जो चीज़ सामने निकल के आती है, तो इस कंडेंसेट को इन्होंने कहा, इस प्रक्रिया को इन्होंने कहा Bose-Einstein कंडेंसेट. तो ये भी इन्होंने कहा कि ये पांचवा स्टेट ऑफ मैटर है. तो आज के क्लास 9th के साइंस के पहले चैप्टर में बस इतना ही. इसके क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच. अगर आपने अभी तक NCERT जोन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू NCERT जोन एंड कीप ऑन स्टडिंग. थैंक यू.